तो पहले तो वन बाय वन आई विल गो विद शहजाद साहब फर्स्ट. टेल अस व्हाट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज एंड व्हाई डू यू गेट इनटू दिस एंड द सेम क्वेश्चन टू यू टू असफंदियार साहब आफ्टर हिम. जी यस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक आई इवॉल्व्ड इनटू उसके बेनिफिट्स को समझने में मुझे टाइम लगा कि क्यों ज़रूरी है और क्या हो रहा है इसमें. हमने चार साल पहले जब फॉरेस्टिंग का काम शुरू किया या हमने दरख्त लगाने शुरू किए सो टू स्पीक, बट हम फॉरेस्ट बना रहे थे. उसको जब हम स्केल करने की बात हमने शुरू की कि अच्छा भाई इसको फैलना चाहिए हर जगह पे, तो फिर ये बात सामने आई कि जी ये उसी वक्त हर आदमी इसके एडॉप्शन की तरफ जाएगा जब इसको एज एन एंटरप्रेन्योरशिप, एज अ बिज़नेस, एज अ बेनिफिशियल एक्टिविटी लोग अडॉप्ट करना शुरू करें. बिकॉज लोगों को अगर खाली इस काम को हम एज अ जिसे कहते हैं ना फील गुड टास्क के तौर पे अगर हम करते रहेंगे तो वो इसका वो इफेक्ट नहीं बनेगा, वो इतना आगे नहीं जाएगा. सो आई थिंक ऑल ऑफ आर करंट इशूज़ नीड टू बी सॉर्ट ऑफ पैकेज अराउंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेक इट बेनिफिशियल फॉर पीपल, रिवॉर्डिंग फॉर पीपल टू एक्चुअली बी इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस टास्क. तो फिर आप अपने तमाम इशूज़ जो जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे. असफंदियार साहब, व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टू यू एंड हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? सर Faisal, I got into this, whatever I'm doing, if you may call it social entrepreneurship, by chance. What prompted us was a challenge or ek jo keh lo ke ek jo challenge which we myself as well as hum sab Pakistan mein as households फेस इस के जी हमें आपको एक डोमेस्टिक हेल्प चाहिए होती है जिनसे देर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस. बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपकी वाइफ प्रोफेशनल है, यू हैव टू गो आउट एंड वर्क एंड यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, वेदर वो ड्राइवर के फॉर्म में है, कुक के फॉर्म में है, तो एक एसेंशियल पार्ट है. बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ लॉट ऑफ there's a blind hiring. आपको नहीं पता होता कि कौन आप किसको हायर कर रहे होते हैं, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है. There's a lot of crime which is coming out of these people. But at the same time, they're into a vicious cycle of poverty. So the challenge which we faced was कि हम what can we do, one to check the crime and secondly to help these people also. Because ये हमारे अपने लोग हैं, they're not coming from like Dubai में आपका भी COVID हुआ तो उन्होंने सब नौकरों को जो भी उनकी हेल्प थी उनको शिप बैक कर दिया, किसी को इंडिया कर दिया, किसी को फिलीपींस कर दिया, किसी को पाकिस्तान कर दिया. मतलब उन्होंने तो बाहर निकाल दिया ना. जी जी, हम निकाल नहीं सकते, हमारे बिल्कुल अक्रॉस द रोड ये रहते हैं. एंड इफ द पॉवर्टी एंड देर हैविंग द चैलेंजेस टू सर्वाइव, जो क्राइम विच एमिनेट्स आउट ऑफ दैट कम्स एंड अफेक्ट आवर हाउसहोल्ड्स. तो हमने कहा कि जी हाउ डू वी चैलेंज दैट, हाउ डू वी टैकल दिस चैलेंज, क्या हम ये गवर्नमेंट को छोड़ दें या हम उनके साथ एक पार्टनरशिप करके ये चैलेंज फेस करें. तो दिस वॉज वॉट प्रॉम्प्टेड मी एंड पीपल इन आर एसोसिएशन टू कम आउट एंड मेक अ डिफरेंस. सही. अच्छा, अब आप दोनों के साथ जो है, आई मीन इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट यू बोथ सॉ अ प्रॉब्लम एंड देन यू वांटेड टू क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर इट. शहजाद सॉ दैट फॉरेस्टेशन, ग्रीन स्पेसेस पाकिस्तान में बहुत कम है, कराची में स्पेशली बहुत कम है, तो ही केम अप विद द अर्बन फॉरेस्ट एंड आइडिया विच हैज़ बीन प्रोपोगेटेड एंड डन इन अदर कंट्रीज. असफंदियार ने देखा कि हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में और इन हिज ओन सिटी को वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है फॉर एम्प्लॉइज़, तो ही टाइड अप विद द गवर्नमेंट एंड द CPLC एंड ही केम अप विद दिस ऐप कॉल्ड तस्दीक दैट वेरीफाइज पीपल इमीजिएटली और विद इन अ 24-hour साइकिल सो दैट यू नो देयर हिस्ट्री. बट बोथ ऑफ यू केम अप विद सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम.